एक एनिमेशन तो हमने लगा रखा है, लेकिन आप इफेक्ट की बात कर लेते हैं, इस पे हम इफेक्ट भी लगाएंगे। इफेक्ट आएगा कहाँ से? यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन पेन, ये आपको दिख जाएगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन पेन वाली विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है तो नीचे आपको दिखाई पड़ेगा इफेक्ट ऑप्शन। इस इफेक्ट ऑप्शन का क्या यूज है आइए देखते हैं। इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लिक कर दिया, ध्यान रखिए कि इसको सेलेक्ट रखिएगा, ये जो है ना ये आपका सिलेक्शन में होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये, यहाँ पर देखिए ऑल एट वंस बाउंस किया मैंने और ऑल एट वंस लगा हुआ है। ऑल एट वंस नहीं चाहिए मुझे, बाय वर्ड चाहिए या बाय लेटर चाहिए, तो मैं बाय लेटर कर देता हूँ। और यहाँ से टाइमिंग देख लीजिएगा आप, और ये टाइमिंग पे जाइए, और यहाँ पे अगर आप इसको रिवाइंड कराना चाहते हैं तो रिवाइंड भी करा सकते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक ये जो है इसे मैं हटा देता हूँ, प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। स्पीड जो है मीडियम है, यहाँ पे 2 सेकंड का डिले है, और बाकी काफी एनिमेशन मैंने लगाया। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये काफी एक्साइटिंग। इसको जब सिलेक्शन में लेकर के और फिर यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और फिर यहाँ टाइमिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये डिले 1 सेकंड फास्ट कर सकते हैं इसको, या बहुत ज्यादा स्लो करना चाहें तो यहाँ पर 5 सेकंड वेरी स्लो कर देते हैं, और यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं कर देता हूँ। देखिए 10 टाइम अगर चलाना चाहे तो ये 10 टाइम चलेगा। आप देखिए ये 10 टाइम चलेगा, ये देखिए अब ये स्लो काफी स्लो आ रहा है और ये 10 टाइम चलेगा। अब ये हो गया फर्स्ट टाइम, अब देखिए ये सेकेंड टाइम हो रहा है, ठीक है, सेम एनिमेशन है, 10 टाइम मैंने किया है तो ये 10 टाइम तक चलेगा। तो ये देखिए अब ये थर्ड टाइम है आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि ये इफेक्ट ऑप्शन का कैसे यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।